बायोमेट्रिक्स के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने चाहिए, नॉर्मल सर्विस ले या प्रीमियम, और बायोमेट्रिक का अपॉइंटमेंट बुक कैसे करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे बायोमेट्रिक्स फॉर कनाडा स्टडी वीज़ा। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स VFS ग्लोबल सेंटर पे लेके जाने हैं, और नॉर्मल और प्रीमियम सर्विस में क्या डिफरेंस होता है, आपको नॉर्मल सर्विस लेनी चाहिए कि प्रीमियम, और प्रीमियम का कोई एडवांटेज भी है या सिर्फ ऐसे ही है, और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि बायोमेट्रिक्स का अपॉइंटमेंट कैसे बुक करते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक जरूर कर देना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं। तो जैसे ही आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हो IRCC की वेबसाइट पे, जैसे मान लो आपने आज अपना वीज़ा अप्लाई कर दिया, तो हो सकता है कि उसी दिन या उसके नेक्स्ट डे या कुछ दिनों तक आपके GC की में बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर की गाइडलाइंस आ जाए। तो वहाँ पे जिस दिन आपके GC की में बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर अपडेट हो जाएगा, तो आप बायोमेट्रिक्स कराने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आपका BIL आने के बाद, यानी बायोमेट्रिक्स इंस्ट्रक्शन लेटर आने के बाद, आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। तो जैसे ही आप अपना अपॉइंटमेंट करोगे, तो आप VFS ग्लोबल सेंटर जाओगे, और वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स जो है मेनली तीन लेके जाने होते हैं। तीन डॉक्यूमेंट्स, सबसे पहला है आपका बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर जो आपका IRCC की वेबसाइट पे अपलोड हुआ है, IRCC ने अपलोड किया, उसका आपने प्रिंट आउट निकलवा लेना है और उसे लेके जाना है। सेकंड डॉक्यूमेंट है आपका जो मेल आएगा ना, तो जैसे ही आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करोगे, आपकी मेल ID पे एक मेल आएगा VFS ग्लोबल का, तो उस पे सारी डिटेल्स लिखी होगी, जैसे आपका नाम, आपकी बुकिंग डेट, आपका बुकिंग टाइम क्या है ना, किस दिन या किस टाइम पे आपकी अपॉइंटमेंट है, तो उस मेल का भी आपने प्रिंट आउट निकलवा लेना है और वो भी आपने साथ लेके जानी है। इसके साथ आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट लेके जाना है, और पासपोर्ट की दो फोटोकॉपीज भी ले जाना, ज़रूरत पड़ जाती है। इसके अलावा एक कंसेंट फॉर्म होता है, वो वैसे वो मांगते नहीं है, लेकिन सेफ्टी के लिए आप ले जाना कंसेंट फॉर्म भी। इसके अलावा मास्क भी ज़रूर ले जाना, क्योंकि मैंने देखा था जब मैं अपना बायोमेट्रिक्स देने गया तब भी कोविड इतना नहीं था, लेकिन वो मास्क के बिना एंट्री कर ही नहीं रहे थे, तो मास्क या रुमाल ज़रूर ले जाना। इसके बाद हम बात कर लेते कि वहाँ पे आपको करना क्या होता है। तो जैसे मान लो जिस दिन की भी आपकी अपॉइंटमेंट है, और उस टाइम पे जैसे मान लो कि 11:15 की है, तो आप मान लो 11:00 वहाँ पे पहुँच गए, तो वहाँ पे जैसे सबसे पहले आप एंट्री करोगे, तो एंट्री में सबसे पहले वो आपकी रिसिप्ट कट करेंगे, तो रिसिप्ट देंगे आपको और पूछेंगे भी आपको प्रीमियम लेना है कि नॉर्मल, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद वो आपको एक टोकन नंबर देंगे, तो टोकन नंबर लेके उस पे काउंटर लिखा होगा कि आपको कौन से काउंटर में जाना है, तो आप उस काउंटर में चले जाना। उस काउंटर में आपसे बेसिक डिटेल्स पूछेंगे, जैसे कि आपका नाम हो गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी ईमेल आईडी, ये कंफर्म करेंगे। उसके बाद वो भी आपको एक टोकन देंगे, और आपको एक रूम में जाना होगा, तो वहाँ पे बेसिकली LCD लगी होती है और स्पीकर भी लगा होता है, वो टोकन नंबर डिस्प्ले भी करते हैं और स्पीकर में आवाज़ भी आती है कि अब ये टोकन नंबर है, इस काउंटर पे चले जाए। तो रूम में जाने के बाद आपको एक तो अपनी फ़ोटो देनी होती है, फ़ोटो खिंचवानी होती है, और एक आपके वो फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, और एक आपको कैमरे में देख के, मान लो अगर उधर कैमरा लगा हुआ है ना, तो आपको उसके सामने ऐसे अपने हाथ आगे पीछे करने होते हैं। तो यही होता है बायोमेट्रिक्स में। अगर आप पूछते हो कि टाइम कितना लग जाता है, तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितना रश है। अगर तो रश कम है तो आप जल्दी फ्री हो जाओगे, और अगर रश ज़्यादा है तो टाइम लग सकता है। अगर मैं अपनी बात करूँ, जैसे मैं 11:15 पे गया था और मैं 12:30 तक फ्री हो गया था, 12:30 तक, यानी मुझे एक घंटा ही लगा था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बायोमेट्रिक नॉर्मल और प्रीमियम। तो अगर आपको सीधी स्ट्रेट बात कहूँ, तो प्रीमियम आप तभी लेना अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है, समझ गए, अगर आपको बहुत ज़्यादा ही जल्दी है ना,
तो आप प्रीमियम ले लेना, नहीं तो आप नॉर्मल से आपका काम चल जाएगा नहीं दौड़ेगा। नॉर्मल और प्रीमियम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, जैसे कि एक डिफरेंस ये होता है कि आपको ट्रैकिंग के लिए आपको SMS आते रहते हैं। जैसे मान लो अगर आपकी PPR आ गई तो उसके बाद आपका पासपोर्ट स्टैंप होगा, तो VFS ग्लोबल जैसे कोरियर बॉय आपके घर पर आएगा, वो आपका पासपोर्ट उठाएगा। तो पासपोर्ट उठाने से लेकर जहाँ पे स्टैंपिंग होगी वहाँ से फिर आपके पास वापस आने तक आप सारा ट्रैक कर सकते हो मोबाइल पे कि मेरा पासपोर्ट अभी कहाँ पे है, अभी कहाँ पे पहुँच गया, अब कहाँ तक आ गया, तो ये सारा ट्रैक कर सकते हो। और ये वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपकी इच्छा हो तो आप प्रीमियम ले सकते हो। और इसमें एक डिफरेंस और है, जैसे कि जो पासपोर्ट स्टैंपिंग नॉर्मल के अंदर टाइम लगता है वो 14 to 15 days लग जाते हैं। अगर आपने नॉर्मल सर्विस ली है तो आपके स्टैंपिंग में 14 to 15 days लग जाएंगे, लेकिन अगर आपने प्रीमियम सर्विस ली है तो ऐसा है कि आपके 5 to 7 days में पासपोर्ट स्टैंप होके आपके घर पे वापस आ जाएगा। के अलावा मैंने कुछ लोगों को ऐसा कहते हुए भी सुना है, प्रीमियम सर्विस में आपका जो बायोमेट्रिक्स है वो उसी दिन GC Key पे अपलोड हो जाता है, लेकिन नॉर्मल में नहीं होता। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। मैंने जैसे नॉर्मल सर्विस ली थी और मेरा जो बायोमेट्रिक्स था वो 19 अप्रैल को था, और जब मैंने घर आके GC Key ओपन की तो मेरा 19 अप्रैल को ही जो बायोमेट्रिक्स है वो IRCC की वेबसाइट पर अपलोड हो चुका था। यही था नॉर्मल और प्रीमियम में डिफरेंस। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मैंने वही जो शुरुआत में बात की थी कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दी है ना, बहुत ज़्यादा जल्दी है आपको, तो आप प्रीमियम ले लो, वरना नॉर्मल से आपका काम बढ़िया चल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हाउ टू बुक बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और हम चेक करते हैं कि बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट कैसे बुक कर सकते हैं। तो अभी 2022 में बायोमेट्रिक्स अपॉइंटमेंट लेने का जो मेथड है वो चेंज हो चुका है। पहले क्या होता था कि आप खुद बायोमेट्रिक्स की डेट और टाइम सेलेक्ट करते थे, यानी जिस दिन आप सेलेक्ट करना चाहते थे आप कर लेते थे। लेकिन अभी चेंज हो गया, अभी आपको VFS की तरफ से मेल आएगा, उसमें आपका अपॉइंटमेंट डेट और टाइम लिखा होगा। तो हमें सिर्फ अपना एक डॉक्यूमेंट अपलोड करके देना है और VFS हमें मेल के ज़रिए बाकी सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देगा। तो डॉक्यूमेंट वो है बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर, जो आपको IRCC की वेबसाइट से मिलता है जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करना और इस वेबसाइट पर आ जाओगे। ये VFS की है, यहाँ पर आके आपने सबसे पहले क्लिक करना है यहाँ पे प्रोसीड पे। फिर आपने अपना सेंटर सेलेक्ट करना, जो भी आपके नज़दीक पड़ता है इन 10 सेंटर्स में से। जैसे पुणे अगर आपके नज़दीक पड़ता है तो इसे सेलेक्ट कर लो, न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जलंधर, हैदराबाद, चेन्नई, चंडीगढ़, बेंगलुरु, अहमदाबाद। तो जैसे चंडीगढ़ मेरे नज़दीक पड़ता तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको सेलेक्ट करने हैं नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स, ज़्यादातर तो अकेले ही होते हैं, लेकिन अगर आपके साथ कोई और भी है तो 2 सेलेक्ट कर लो, 3 जाने हो तो 3, 4 हो 4, 5 हो 5, जैसे मैं अकेला हूँ तो 1। और इसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जिस पे आपका OTP आएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर देना गेट OTP, और आपके जो मोबाइल पे है एक OTP आएगा, उसे आपने यहाँ पे टाइप करना है और हम करेंगे वैलिडेट OTP पे क्लिक। तो जैसे ही आप OTP पे क्लिक कर दोगे तो आपको ये स्क्रीन अपेयर होगी, यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके आपको अपना बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर अपलोड करना है जो IRCC से मिला आपको, ठीक है। जैसे ही आप अपलोड करोगे ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों जो है ना, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम आपके बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर में से उठा लेगा। उसके बाद आपको सिर्फ यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी। मैं अभी अपलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये एक BIL से एक अपॉइंटमेंट ही बुक करता है, तो मैं ऑलरेडी बुक करा चुका हूँ। तो आपने यहाँ पे पहले अपना BIL अपलोड कर देना है और वो स्कैंड कॉपी ना हो, सिंपल हो, ठीक है। ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ ही अपने आप उठा लेगा, आपको फिर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालनी होगी। जैसे ही आप अपलोड करोगे ना यहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा, आप मोबाइल नंबर फिल कर देना, ईमेल आईडी, फिर यहाँ पे साइड पे एक राइट हैंड साइड पे आएगा ऑप्शन सेव का, आप सेव कर देना। तो जैसे अभी तो एक एप्लीकेंट था, अगर 2 एप्लीकेंट हो गए, जैसे आप पहले का BIL अपलोड करके मोबाइल नंबर लिख के ईमेल आईडी लिख के सेव करोगे तो यहाँ पे सेकेंड कॉलम बन के आ जाएगा,
उसमें आपको दोबारा उसका मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी, और उसका भी BIL अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद इस पे टिक कर देना। इसके बाद आगे मैं आपको बोल के बता देता हूँ, स्क्रीन पे नहीं दिखा सकता क्योंकि आगे स्क्रीन ऐसे जाएगी नहीं। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ना, आई एक्नॉलेज टर्म्स एंड कंडीशंस, तो आपकी अपॉइंटमेंट है जो वो बुक हो जाएगी और आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगा कि VFS ग्लोबल की तरफ से आपको 2 या 3 वर्किंग डेज में मेल आ जाएगा जिसमें आपकी अपॉइंटमेंट डेट और टाइम लिखी होगी। तो वैसे तो कई बार उसी टाइम भी आ जाता है, जैसे मैंने बुक किया था ना, तो मेरा 20 मिनट्स के अंदर ही मेल आ गई थी। उस पर मेरी सारी डिटेल्स लिखी हुई थी, मेरा नाम, मेरा मोबाइल नंबर, मेरा अपॉइंटमेंट डेट क्या है, टाइम क्या है, और नीचे जो डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेके आने हैं वो भी लिखे होते हैं। तो वो मैंने पहले आपको वीडियो में बता दिए। तो ये था मेथड कि आप बायोमेट्रिक्स की अपॉइंटमेंट कैसे बुक करोगे। ये थी मेरी बायोमेट्रिक की वीडियो। और अगर आपने मेरी और वीडियोस नहीं देखी हैं, जैसे कि IELTS सीरीज़ की वीडियो जिसमें मैंने कंप्लीट रीडिंग बताई हुई है, राइटिंग दी हुई है, स्पीकिंग के बारे में बताया हुआ है और लिसनिंग की भी सारी टिप्स और ट्रिक्स बताई हुई है, तो वो वीडियोस ज़रूर चेक कर लेना। उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उन्हें ज़रूर देख लेना। तो ये वीडियो मेरी आपको कैसी लगी, लाइक कर देना, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। सो दिस इज़ फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन बिलो। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।